बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ फलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुल्क भर में अपने कारकुनों को एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज की कॉल के फौरन बाद मुल्क भर में हंगामे शुरू हो गए हैं। जिस तरह के इतलात मौसूल हो रही हैं, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, पिशावर, सवात और दीगर अजला में बहुत बड़ी तादाद में आवाम निकल आई है और सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। इतलात मौसूल हुई हैं कि लाहौर कोर कमांडर हाउस में आवाम घुस चुकी है और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफज कर दी गई है और पुलिस हालात को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। याद रहे, इमरान खान को कौमी खजाने से 60 अरब रुपए चूना लगाने पर गिरफ्तार किया गया है। इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुल्तान के दीगर मुकामात पर पीटीआई कारकुनान ने सड़कों को बंद कर दिया है और कैंट में पीटीआई कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इमरान खान को रिहा करने के हवाले से मुतालबात किए जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक पीटीआई कारकुनान लाहौर कोर कमांडर हाउस पहुंच चुके हैं और वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।